गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपुणात्मा, जब यहाँ के भगवान ने पूरा वेदों का ज्ञान नहीं, तो इन ऋषि महर्षियों को कहाँ से होगा जिनके ऊपर हम आश्रित रहे, इन ब्राह्मण गुरुओं को। जिस अज्ञानता के कारण उन्हें हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और भूत बनवा दिया, कोई पत्थर बनवा दिया, और अब कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो, ये डले ढुआ रहे अपने तय काल के जाल में फंसा दिया गहराई से इन्होंने। अब आप स्वयं शिक्षित हो, वही सदग्रंथ विधान प्रभु का हमारे पास उपलब्ध है। इस शिक्षा का यदि आपने लाभ उठाना है तो इसका एक ही लाभ है, हम भगवान पहचान सकते हैं। न इस पेट के लिए तो भाई कोई, तो चाहे कितना विद्वान बन ले, कितना एजुकेटेड बन ले, वो केक रहेगा माया जोड़न की मशीन बन जाएगा, और वो सारी उम्र अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये डिपॉजिट कर जाएगा, और उसके बच्चे क्योंकि उनको तो पढ़ा पाओगा धन उसने जरूरत है कोई ना मेहनत करने की, वह फिर उसने फुर्र करेंगे फुर्र, और वो पाप तो उसके ऊपर रखेंगे और वो बालक बिगड़ेंगे, डबल उसको लॉस होगा, अपना जीवन खोया और बालक ने बिगड़ गया। और मिलना वही है जो उसके भाग्य में होता है, परमात्मा उसको अवश्य देता है यदि वो ठीक ढंग से भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो धन आपको फिर एक ही नंबर से मिल जाता है। भक्ति में ज़्यादा ध्यान रखे, जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, परमात्मा फिर साथ हो जाता है। तो इस प्रकार यदि इस एजुकेशन का लाभ आपने उठाना है तो केवल परमात्मा को पहचान कर और फिर दिन रात एक कर दे, अपना कार्य भी करे, परमात्मा की भक्ति भी करे। कितना ही प्रयत्नशील व्यक्ति है मनुष्य, गने तो गना वो 10 घंटे काम कर सकता है, कोई गणा ढीठ होगा तो 12 घंटे कर लेगा, जो पशु कैसा है, तो उसने 12 के बाद 12 घंटे फिर बच गए, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे खान पीन में नहाण धोण में ला ली, 8 घंटे हो गए, 4 घंटे आपके पास फिर भी बच गए, उसमें तो 1 घंटा और ला ले किसी मित्र प्यारे तो बात करनी पड़े, 3 घंटे तो कम से कम परमात्मा को देने चाहिए आपने, और वो 3 घंटे दिए हुए आपके, इन्होंने एक जगह बैठ के देने हैं। आप चलते चलते वो समय जितना भी, जब भी जैसे किसी बात कर रहे हो, बात आपकी समाप्त हुई, वो अपने रास्ते चला, आप माला उठा लो, वो समय आपका, इस तरह कुल मिला करके जो 3 घंटे भी आप मालिक को दे दोगे, बेड़ा पार है, गणे की जरूरत कोई ना। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे सिलेबस हमारा क्या बताता है, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और सिलेबस से बाहर यदि हम कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो फिर हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, और जिस कारण से उन्होंने हमें दंत कथा सुना सुना के हमारा जीवन नष्ट कर दिया। अब हम उस सिलेबस को आपके रूबरू करा रहे हैं, और आप भी बुद्धिमान हो, सबके घर में ये पुस्तकें रखी होंगी अवश्य, नहीं तो आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, जन्ना विश्वास होता है। एक बार हम एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, इन बहुत से शहरों में हमने
सत्संग किए थे चार चार पांच पांच दिन के, ऐसे टेंट लगा लगा कर। तो वहां प्रोजेक्टर के ऊपर दास ये दिखा रहा था दुर्गा पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म, वो जन्म पत्री सुना रहा था इन्हीं से। तो दो तीन बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से एजुकेटेड व्यक्ति थे, वो सामने सत्संग सुन रहे थे, प्रोजेक्टर पर देख रहे थे। तो वे क्या कहते हैं कि ये संत जो है कोई षड्यंत्रकारी लगता है, और इसने ऊपर का कवर ये गीता प्रेस गोरखपुर का आप पे बनवा रखा होगा। हम तो इतने दिन हो गए पढ़ते, इन पुराणों को कभी नहीं पढ़ा, कभी देखा नहीं इसमें। तो तीनों हा में हा मिला रहे, सचमुच ये गड़बड़ है, ये कोई वैसे ही नकली डुप्लीकेट पुस्तक बनवा रखी होगी इसने। तो फिर उन्होंने वो प्रश्न नोट करे, सकंद नोट कर लिए। अगले दिन पर उन्होंने जाके सामने जाके अपने घर पर देखा, देखा तो वो तो ज्यों का त्यों मिला। तो वहां एक भक्त बैठा था हमारा, हमारे साथ गया हुआ, वो उनकी सारी गतिविधि देख रहा था। वो अगले दिन फिर आकर बैठ गए, वो भगत फिर उनके निकट बैठ गया। उनको पता था कि आज तो ये उठे हर बैठे हैं, जो कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, हर कल देखिए इनकी सती थी। वो अगले दिन आए और नो बैठे कान बोझ के, और जो भी मैं कहूँ ठीक करे ठीक करे। तो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई हद होगी। एक कहता 70 साल का हो गया मैं और 15-20 वर्ष का लग गया था इन पुराणों को पढ़ने, आज तक मारी बुद्धि में भी ना ये बातें जो आज इस संत ने मक्खन सा निकाल के धर दिया, नाम फिर भी नहीं लिया उन्हें बुढ़िया ने, क्यों कर्म बिगड़ गए गणे। तो वो फिर मेरे पास आए बैठे, बात हुई, मैंने कहा ही तो आप अपना जन्म सुधारो, दीक्षा ले लो। कि नहीं अब दीक्षा क्या लेंगे, अब तो उम्र बहुत बीत गई है, अब तो वो साधना करते करते जीवन ही चला गया, फिर उस साधना का क्या होगा। उनको बहुत से उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा भी की कि जैसे कोई कुमार्ग पर जा रहा है, आपने यहां बरवाला से दिल्ली जाना है और आप जान लग रहे हो सिरसा या लुधियाना को, और आप लुधियाना साइड में 100 किलोमीटर चले गए और वहां जाकर आपको पता चला कि हम तो दिल्ली के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तुरंत मुड़ जाना चाहिए, अविलंब वापस हो जाना चाहिए यदि जरा सी भी बुद्धि रखते हो। और आप कह रहे हो कि अब क्या होगा हमारी 60 वर्ष की साधना का, 20 40 वर्ष की साधना का, वो साधना ही नहीं है, वो तो कुमार्ग पर जा रहे हो आप, अब भी मुड़ जाओगे तो भी लाभ होगा। लेकिन मुड़े तो वो ना जिसकी भांग उतर जाएगी, उनका सबका भांग प्यारा किया काल ने। कबीर माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। ओए होए, ये जो स्थिति एक व्यक्ति की है वही सभी की है, लाखों की करोड़ों की, हिंदुओं की। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं एक बार तो सभी बिदकते हैं, फिर प्रमाण देखते हैं, फिर सेट हो जाते हैं, फिर नाम लेने के लिए तो कई दिन में सोचे हैं कि उपदेश भी लेना चाहिए, कई दिन तक सोचे जा अब क्या होगा, पिछली पूजा का क्या होगा, पिछली का तो कुछ होना है कोनी, भूत बनना है और उसको त्याग देने से आपका कल्याण होना है, तो तुरंत करना चाहिए इस काम को। तो पुण्यात्मो, ये जो आपको प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, आपके यहाँ प्रोजेक्टर पर विश्वास ना हो पहली बार, आप घर भी जाके देखोगे और देखोगे तो फिर स्वीकार भी करोगे। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, अब आपको पता चला है श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, और दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं, वो फाइनल गॉड है ब्रह्म, उसका ओम नाम है, और सब पूजाएं त्याग कर केवल एक ओम का नाम जाप करो, ब्रह्म की पूजा करो, तुम ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनकी दुर्गति बनी ही रहती है।
श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम इति, बस यह एक अक्षर का एक अक्षर है ओम मुझ ब्रह्म का। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति यानी अंतिम उपलब्धि जो ओम के जाप से है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी जन्म और मृत्यु में रहते हैं, उनको परम शांति नहीं हो सकती। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु में है उनको परम शांति नहीं हो सकती, उनको सुख नहीं हो सकता। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है ये काल है। ये कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू ये ना समझे कि तू मैं और ये राजा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जो तत्वदर्शी संत होगा वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, मूल कौन है और शाखा और पत्ते क्या है। उस तत्वदर्शी संत जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसका वर्णन किया है कि उसको तत्व ज्ञान परमात्मा पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संतों से समझो पूछो, उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 मंत्र में। फिर चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार में इस अज्ञान को काट कर यानी समझ कर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सभी संसार को रचा है, सभी ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए तन मन धन से यानी पूर्ण समर्पण भाव से, अपनी भी नहीं कहता, अपने के लिए कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7वें कि मेरा सिमरण करना है, बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम नाम है और तूने यदि मेरे पास रहना है तो मेरा सिमरण कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी करना होगा तुझे और युद्ध करना पड़ेगा फिर शांति कहाँ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन इसलिए तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म नहीं होगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। उसके लिए उसने कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सचिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविद समर्थ, ब्रह्म ने माने सचिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो प्राणी उस तत्ब्रह्म से परिचित है, संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है, वह केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ते। तो 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, फिर वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर यहाँ के किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रहती, वो यहाँ से छुटकारा ही चाहते हैं।
गीता ज्ञान दाता ने आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान के विचार प्रवचन जो श्री हिमालय जी को सुना रही हैं। देखिएगा देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 पृष्ठ पे 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये वही। और किसी का ना जच्चा तो भाई फिर अपनी घराली देख लियो जाके। 562 पे देवी हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश दे रही है, अपने प्रवचन सुना रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करती है, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में सट्टे मारे मेरी पूजा करे नौकरो नौकरो, लेकिन फिर कहती है कि नहीं अगर तुझे सही लाभ लेना है तो मैं बताती हूँ उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब ज्यादा न पढ़ाकर हम, वह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस बेधने योग्य लक्ष्य का तुम बेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर बेधन करो। प्रणव ओम तो धनुष है, प्रणव कहो ओम, धनुष है जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, क्योंकि ब्रह्म की तरफ संकेत करी है, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानती है देवी। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे यानी सब पूजाएं त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम से जो होने वाली परम गति है वो बताई जा रही है। ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म को प्राप्त होगी। और वो ब्रह्म रहता कहाँ है ये देखिएगा, ये 563 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा आपके समक्ष अपने वो सदग्रंथ हैं जिनसे हमें ये ज्ञान हो रहा है कि किस देव में कितनी आध्यात्मिक ज्ञान था और कैसी वो साधना किया करती थी। अब श्री विष्णु जी को तो ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी कह रहे हैं कि ये सुप्रीम पावर। विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो तपस्या करता हूँ, दुर्गा की साधना करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, इस तो ऊपर कोई भगवान मैं नहीं जानता। दुर्गा कहती है कि ओम जाप है ब्रह्म, सबसे सुप्रीम पावर है, उसका जाप करो तुम्हारा कल्याण हो और ब्रह्म लोक में चले जाओगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ब्रह्म कहता है गीता जी में आपको सुना ही दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो,
उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म नहीं होगा। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहता, मैं परिचित नहीं उस ज्ञान से, ना उस विधान से, ना उस समाधान से, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अपुन आत्माओं, जैसे कल के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं, ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है, ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का। जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका पट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताया इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, ना ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की है उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में, मंत्र में, यजुर्वेद में, कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है, किसी भी प्रकार का संकटाप्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुणात्माओं, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत, फिर हमने फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की, जिसके ऊपर कर टूटना वो टूटे टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा, वो कर ली भक्ति पर तो गुट्टी लावेगा, वो शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है, परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होके। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है किसी का पैसा मिलावट करके लेना, या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किर का जहर का कण भी कौन खाओगा, नो पता लग गया यू कण पड़ा जहर का विष का, हाथ भी ना लाव आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानतावश रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये व्यस खा रहे हो व्यस। और फिर इस जहर ने कौन खाएगा, छुआ भी कोई नहीं, दूर कर जाएगा, आग लगे कि क्या पता कैसा धन है ये। और अब बक्से को ना ट्रंक का अंदर से तिदुरियन तोड़ के काट ले जाए। कल संग सुनाया था इस दास ने आपको कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, वहां पर एक महादुखी ब्राह्मण पहुंच गया, क्योंकि महर्षि जो रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी, वो केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, उनके ही गुरु बनते थे। और एक ब्राह्मण बहुत गरीब, घर में बहुत उसके ऊपर जो ना संकट आया हुआ था अपने, यानी वो अर्थार्थी भी था, आर्त भी था, ना वो जिज्ञासु था ना ज्ञानी था, दो प्रकार के उसके ऊपर आपदाएं थी, एक तो घना निर्धन था
और ऊपर से अपने परिवार के ऊपर उसके ऊपर संकट आया हुआ था, उसके बच्चे बीमार, उसकी पत्नी बीमार, वो स्वयं भी दुखी और बहुत बुरा हाल था। और स्वामी जी ने बहुत कुछ साधनाएं बताई थी लेकिन वो उसको कोई राहत नहीं मिली। तो जब राहत नहीं मिली तो आखिर में ये सभी यही कहते हैं कि ये तेरे प्रारब्ध कर्म है, ये भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे लेक्चर झाड़ रहा था स्वामी रामानंद जी उस अपने शिष्य ब्राह्मण को। परमात्मा कबीर जी ने कहा, स्वामी जी जो आप कह रहे हो कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता है, क्या कौन से ग्रंथ में लिखा है? रामानंद जी ने कहा कि देवी पुराण में लिखा है, और बृहस्पति जी भी यही कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी भी यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। अब वो देवी पुराण उठाकर पढ़ के सुना दिया स्वामी रामानंद जी ने, जैसा कल दास ने आपको शुक्राचार्य जी के और बृहस्पति जी के विचार सुनाए थे और ब्रह्मा जी के, कि उन्होंने कहा है कि कर्म तो भोगने से ही कटता है, सुख हो चाहे दुख प्राणी को भोगना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था कि आप वेदों को ऑथेंटिक मानते हो या पुराणों को? अब रामानंद जी और का ज्ञान तैसा है था बालकों जैसा, तो रामानंद जी कहने लगे, स्वामी जी के मैं दोनों को ही ऑथेंटिक मानता हूं, वेदों को भी ऑथेंटिक मानता हूं और पुराणों को भी ऑथेंटिक मानता हूं, क्योंकि इनका राइटर एक ही है। तब परमात्मा ने बताया कि राइटर इज राइटर, राइटर तो राइटर ही होता, लेखक था वो। अब जैसे कोई क्लर्क है और उसका बॉस कोई बोल रहा है, वो लिख रहा है, उसका राइटर, उस लिखने वाले का उसमें अपना कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कोई अपने विचार थोड़े बहुत मिलाए हैं वो अलग बात है, उस सेंटेंस को सुधारने के लिए कोई कोमा मात्रा ला दी वो दूसरी बात है। तब परमात्मा ने कहा, देखो वेद जो है, वेद ये परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्म के अंतःकरण, काल के अंतःकरण में फीड कर दिए गए थे, फैक्स कर दिए गए थे। वो क्या कह रहे, मीडिया प्लेयर से भेज दिए थे, फैक्स कर देते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, पूरे के पूरे जो है ना चले जाते हैं, शब्द के शब्द, फिल्म की फिल्म दूसरे में फीड हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो ऐसे परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में ये वेद डाल दिए, और समय आने पर वो अपने आप बाहर आने थे। तो उसके श्वासों द्वारा, ब्रह्म के इस ज्योति निरंजन के श्वासों द्वारा ये पांचों के पांचों वेद बाहर आ गए थे इसके शरीर तय। तो इसने इन पांचों को पढ़ा तो पांचवा जो सूक्ष्म वेद था उसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी, वो इस काल ने नष्ट कर दिया, ये चार वेद दे दिए। इसमें ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का विधि मार्ग केवल ब्रह्म तक का है, ओम नाम का। तो इस जो वेदों में ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा की महिमा है कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना बताई है कि ओम नाम है इसका, और उस परम अक्षर ब्रह्म का जो साधना है वो तत्वदर्शी संत बताओगा। अब उसमें परमात्मा ने कहा कि जो गीता जी का ज्ञान है ये वेदों वाला ज्ञान है, और वेदों का सारांश दिया है किसने, ब्रह्म ने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो वेद और गीता जी एक ही है। गीता जी में थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि इस श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपना मत कुछ प्रवेश कर दिया है, और वो मत यदि वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको हमने त्याग देना होगा। जहां तक बात रही पुराणों की, ये पुराण क्या है, ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अपना ज्ञान है, और ब्रह्मा जी से सुनकर फिर अन्य ऋषियों ने कुछ अपना विचार, अपना अनुभव, और साथ में ब्रह्मा जी के
का रेफरेंस दे दे के ये इतने बड़े बड़े 18 पुराण बना दिए। अब जो पुराणों में लिखा है कि कर्म भोगने से ही समाप्त होंगे, प्रारब्ध में लिखे पाप का नाश नहीं हो सकता, और जब तक आपके प्रारब्ध में यानी कर्म में किस्मत में लिखे हुए पाप का नाश नहीं हुआ तो आपको सुख नहीं हो सकता, और आपको भक्ति से सुख नहीं हुआ तो के चाटे इसी भक्ति ने फिर कौन करेगा, सारे नास्तिक हो गए। इसी कारण से पूरा रूस पूरी चीन इन डुप्लीकेट ऋषि संतों के कारण भगवान वाला लाभ इनको मिला नहीं तो ये नास्तिक हो गए। और यही सती थी कुछ दिनों में इस भारतवर्ष में आ जानी थी, ये नकली टोल के टोल बना रहा के करोड़ों की संख्या में से श्री राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाला ने ये भोली आत्मा गई वहाँ पर भगवान पाने के लिए, और वहाँ कख भी नहीं इनको, अंत में देख रहे ना ये बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति करेगा नहीं कोई, इन पर इतनी आपदाएँ आएंगी, इतनी आपत्ति आ जाएंगी। अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आप जी ने देवी पुराण में बृहस्पति जी के विचार सुनाए कि वो कह रहे हैं इंद्र को, पांचवें स्कंद में वो इंद्र को कह रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है और जो मस्तिष्क में लिखा वो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उधर से शुक्राचार्य कह रहे हैं प्रहलाद को कि ऐसा ब्रह्मा जी से मैंने सुना है, ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा स्वामी रामानंद जी से कि ये विचार हैं किसी व्यक्ति विशेष के, एक ऋषि महर्षि के और ब्रह्मा जी के, ये भगवान के विचार नहीं है। पुराणों में और वेदों में भगवान का आदेश है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट किया है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। यदि आप दोनों को सही मानते हो तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात होगी, पुराण कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वेद कहते हैं ऐसा हो सकता है, तो वेद ऑथेंटिक है, विधान है, वो परमात्मा का दिया हुआ आदेश विधान है, और पुराण एक ऋषि महर्षि संत और यहाँ के इन अल्पज्ञ भगवानों का ज्ञान है। तो पुराणों में जो वेदों से नहीं मेल खाता जो ज्ञान, वो व्यर्थ है, वो व्यक्ति विशेष का अपना सोच है, तो इसलिए हमने वेदों को ही फाइनल मानना होगा। अब इस तर्क के सामने स्वामी रामानंद जी के को कोई जवाब नहीं था। अपनात्माओं, जो व्यक्ति वहां रामानंद जी का शिष्य बना हुआ था वो ये दोनों की वार्ता सुनने लगा और कबीर परमेश्वर जी से पूछा आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो? तो परमात्मा ने कहा भाई मैं दानक हूँ, कबीर मेरा नाम है और दानकों की कॉलोनी में रहता हूँ, दुलाहों की कॉलोनी। सारा नाम बता दिया, इसी काशी में रहता हूँ। अब क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो दुखी व्यक्ति उस ब्राह्मण गुरु को छोड़कर, वो ब्राह्मण तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे वहाँ, वो भी आ गया और उसने देखा ये तो वही महापुरुष है जो रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब परमात्मा की भक्ति साधना से सुख नहीं हो सकता तो भक्ति की आवश्यकता क्या है, तो उसका वह बात खटेगी थी। सचमुच ये तो दो अक्षर की बात है। तो फिर परमात्मा कबीर जी से उसने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, तो परमेश्वर ने कहा भाई मैं जुलाहा हूँ, शूद्र और तू ब्राह्मण है, देख ले तेरा समय आज फिर तने गड़ेगा। तो इन्हों बोला जी बाढ़ में जाओ समाज, मेरी तो ढूंढी डिग्गी कती, मेरा तो भट्ठा बैठ रहा है, बालक मेरे बीमार और उस ब्राह्मण तो मैंने 10 साल हो गए नाक रगड़ते थे, जो उसने साधना बताई स्वामी जी की मैंने सारी कर ली, कोई राहत नहीं। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया कि ये जाप कर और फिर अपने बच्चों को भी नाम दिलाना है, वो तो आशीर्वाद था दाता का। कहते उसी समय उसको ऐसा एहसास हो गया शरीर के अंदर जैसे कोई आपत्ति बाहर फेंक दी, काट कर परमात्मा
उसकी दो जवान लड़कियां थी, दो पुत्र थे, वो भी आप माइंड से हो रहे थे, कुछ ऐसा संकट था उनका। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी, तो परमात्मा की कृपा से उसको राहत मिली, फिर बच्चों को नाम दिलाया, धीरे धीरे सब स्वस्थ हो गए। दो या तीन वर्ष के अंदर उनका सब संकट दूर हो करके सब कर्ज मुक्त भी हो गए। अपनात्माओं, अब वो प्राणी इतना सुखी हो गया, जगह जगह जावे अपने रिश्तेदारों को बतावे जो दुखी थे, उनसे कहे कि आ जाओ नाम ले लो मेरे गुरुजी से, तुम भी सुखी हो जाओगे, देखो आज मैं कितना सुखी हो गया। अब जो थोड़ा बहुत कोई सुखी है वो परमात्मा को नहीं चाहता, और परमात्मा अपने विधान में बताते हैं कि सुख का माथे आग लगो, पत्थर पड़ो, जिस तरह नाम हृदय तजा और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब जिस प्राणी को आज सुख है वो दुर्भाग्य है उसका, किसका, जो भक्ति नहीं कर रहा, और भक्ति कर रहा तो ये सतभक्ति नहीं कर रहा, और सौभाग्य उस व्यक्ति का जो महादुखी था और यहाँ आ गया रहते उसको राहत मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगा, जिस तो भगवान तो दूर हो प्राणी, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, हे परमात्मा ऐसा दुख भी राखियो ताकि आपकी याद बनी रहे। एक बार क्या हुआ कि एक सर्वानंद नाम का एक महर्षि था, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों भगवानों की साधना, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वाले को रिजेक्ट किया है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते, कौन कहता है, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता। अब कहता है कि मेरी भक्ति भी चार जने करते हैं, चार प्रकार के, एक आरथ, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक बताया है, एक आरथ, दूसरा अर्थार्थी, और तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आरथ तो वो होता है जिसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है और वो उस संकट के निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है, वो कोई और सहारा नहीं लेता, जैसे जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, ये इस तरह के कथाएं, ये गीत नहीं गाता वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अपना समाधान चाहता है। और ऐसी अर्थार्थी धन के लाभ प्राप्त करने वाला भी वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएँ करता है, अन्य कोई किसी की बनाई हुई कविताओं का सहयोग नहीं लेता। तो वो मेरा पुजारी है, ब्रह्म पुजारी है। और तीसरा वो होता जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है कि जैसे परमात्मा की तरफ में कोई पुण्यात्मा घर से चलता है, साधु संतों से मिलता है, तो वो उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेता है, 2 से 4 से 10 से 5 से 20 से उसने जो भी खचड़ा ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने अंतकरण में ठोक के और फिर वक्ता बन जाता है। तो इसको भी गीता ज्ञानदाता ने रिजेक्ट किया है कि ये तीन मुझे पसंद नहीं, चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और उसको मैं पसंद हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। अब हम यहाँ जिज्ञासु के ऊपर आते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासु एक सर्वानंद नाम के, जैसे ये महर्षि दानंद जो नकली इस कलियुग का महर्षि दानंद, ये जिज्ञासु था। इतनी तरफ थी इस पुण्यात्मा को पिछले जन्म की भूख थी भगवान की, घर भी छोड़ गया, आगे इसने इसे कर्म ठोक मिल गए, वह संत ऋषि वो दंडी स्वामी, इसमें सारा गोबर ठोक दिया और उस गंध ने यू प्राप्त करके वक्ता बन गया जिज्ञासु। इसने फिर सत्यार प्रकाश में ठोक दिया, वो जो का तू वो अज्ञान, वो अभी तक बोली हाथों ने सिर पर धरे फिरे थी। तो ऐसे ही एक सर्वानंद नाम का जिज्ञासु था,
फिर विद्वान बन गया। उसने अपने समय में आसपास के सभी ब्राह्मणों को विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, चारों वेद 18 पुराण और उपनिषद 11 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता श्री सुधा सागर यानी सभी सदग्रंथों को एक बैल के ऊपर गधे जैसा बोरा डाल के थैला उसके मां रखा करता, ऊपर सुंदर कपड़े शुद्धता से रखता था और कोई भी उसके साथ वार्तालाप शास्त्रार्थ करता था तुरंत उठा उठा कर दिखा देते थे, वो चेले पकड़ा देते, वो अध्याय और पृष्ठ सुना देता, देखो इसके ऊपर ऐसा लिखा निकाल कर देख लो। यानी उसने काशी के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माता जो थी उसका नाम था शारदा रानी पंडितानी, वो इतनी दुखी थी, उसका कोई प्रारब्ध का कर्म दंड था उसके ऊपर, तो उसने अपने बच्चे से भी कहा बेटा मेरा कोई समाधान बताओ, तो बड़ा विद्वान पुरुष है। उसने भी जो जंतर मंतर बताए फिर नहीं उसको को आराम हुआ, तो किसी पड़ोसन ने आके बता दिया ऐसे वो महापुरुष वहाँ गुफा में है, जाते दर्शन होते ही ठीक हो जाता, वो वहाँ भी गई, उसके द्वारा बताई गई साधनाएँ भी की। तो जिस भी ऋषि महर्षि जंतर मंत्र झाड़ा करने वाले को जिसको भी जिसने बताया वहाँ पहुँच गई। सभी ने पहले तो अपनी क्रियाएँ बताई साधनाएँ बताई, फिर लास्ट में उसको कह देते थे कि ये शारदा जी ये तेरे प्रारब्ध का दंड है, कर्म दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर वैद्यों से भी खूब इलाज करवाया, बहुत पीड़ा में रहती थी, अंतिम सांस गिनने लगी कि कहीं भी समाधान नहीं है, अब तो मृत्यु के साथ ही ये दुख जाएगा। एक दिन वही पंडित जो उनका रिश्तेदार था, जो पहुंच रहा था घर घर जाके बता दो रिश्तेदारों को आ जाओ गुरु जी आ रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, आ जाओ भगवान आए हैं, तुम्हें सुख हो जाएगा, वो भी पहुंच गया वहां कुदरती शारदा जी के घर पे। शारदा जी से पूछा, हाँ उससे पहले शारदा जी के पास एक बहन गई कबीर जी की शिष्या, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या, और उसने कहा कि शारदा जी कुशल मंगल पूछा, तो उस शारदा जी ने कहा, सर्वानंद की माता जी ने कहा, बहन क्या बताऊं मेरे जितना दुखी इस पृथ्वी प्राणी नहीं, मैंने सब जगह इलाज करवा लिया, सब जगह ट्रीटमेंट, सब जंतर मंतर साधनाएं भक्ति सब कर ली, मुझे कोई राहत नहीं मिली, सभी ने ये कह दिया है कि ये तेरे मृत्यु के साथ ही तेरा कष्ट अंत होगा। उस बहन ने परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि शारदा एक अर्ज मेरी मान ले तू, तो हमारे भगवान से गुरुदेव से उपदेश ले ले, परमात्मा आए हैं। शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, वैसे तो मेरा दिल टूट चुका है, पृथ्वी पर कोई समाधान करनिया नहीं है, फिर भी आप इतना दृढ़ता से कह रही हो, बताओ आपके गुरुजी कौन है कहाँ है, ट्राई कर लेती हूँ। उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव कबीर जी हैं, परम पूज्य कबीर जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा वो कहाँ रहते हैं, परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहों की कॉलोनी में क्या काम करते हैं, कि वो कपड़ा बुनते हैं, धानक हैं वो, कहा जुलाहा है धानक हैं और क्या कोला जुलाहों की कॉलोनी में, और पंडित जी क्यों करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। वो एकदम तो पड़ी थी खाट पर बैठ की, ने बोली खबरदार जो मुझे ऐसा बोला है हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, हम धानक से नाम लेंगे दुलाहे से सूदर से। तो उसने कहा भी ना ले तो मर सड़क उठकाएगी। अब ऐसे ही परमात्मा कहते हैं सोशल छिदर मैं करूं अपने धन के काज, ये हम सब उस परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं, इस काल ने अपने दूतों के द्वारा हमें ही हमारे ही में से ही अपने दूत सेलेक्ट कर रखे हैं जो मिसगाइड करते फिरते हैं,
और भगवान से दूर कर रखे हैं, लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। फिर उसको प्रेरणा हुई, जो रामानंद जी का शिष्य था, फिर कबीर जी के पास आकर सर्व सुख प्राप्त कर चुका था, वो कुदरती पहुंच गया उस अपनी रिश्तेदारी में, पुरानी सी रिश्तेदारी थी शारदा जी के साथ। वहाँ कुशल मंगल हुआ तो पता चला कि वो तो बहुत दीर्घ रोग से है, असाध्य रोग से पीड़ित है। शारदा जी ने सारी कथा सुना दी कि मैंने सब जगह देख लिया, कोई राहत नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो वो ब्राह्मण था, उसने कहा, शारदा आप मेरी रिलेटिव भी हो, मुझ पर विश्वास करना। मैं कितना दुखी था, मेरे ऊपर कितनी आपदाएं थी, मेरी क्या स्थिति थी, आप खूब परिचित हो, आंखों परिचित हो, और मैं सब स्वस्थ हो गया, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, मेरे घर पर भी आज शुभ दो समय की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपका कष्ट नहीं रहेगा, आप मेरे गुरु जी से उपदेश ले लो। तो उसने सोचा कि शारदा को एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये तो ब्राह्मण है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। तो उसने पूछा, आपके गुरु जी कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, मेरे गुरु जी परम पूज्य कबीर साहब जी हैं और यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों की कॉलोनी में। उसको फिर तीन तोड़ी पड़ी, कहती वो धानक, वो नीरू का पुत्र, कि उसने सारा वेरीफाई कर लिया था कि नहीं, मैं उससे उपदेश नहीं ले सकती, और तूने ब्राह्मण होकर इज्जत का नाश करवा दिया, तूने जुल्म कर दिया, क्या कहेगा तुझे ब्राह्मण समाज। तब उसने सारी कहानी बताई कि पहले इस ब्राह्मण समाज ने मृत के दे दिया था, रिश्तेदारों के पास जाता था, 10 रुपये उधारे लेने मुंह फेर लिया करते थे, और मुझे देखते ही न सोचा करते ये आपत्ति आ गई, कुछ मांगण आया होगा, और आज मेरे पास वो सुख दे दिया इस परम पिता ने, और बाढ़ में जाओ तेरा समाज, और यदि तूने अपनी जान बचानी है तो शारदा नाम ले ले, और आज तू ब्राह्मणी है, कल न मृत्यु होकर तू हरिजना का पैदा होगी, तो फिर क्या कर लेगी, क्या तेरे हाथ में सब कुछ। तो वह काफ़ी झंझोड़ दी उसने, और इस बात से वो परिचित थी कि इसका दस बहुत दुरुक्ति हो रही थी। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता, ऐसे ही कोई भक्त और पहुंच गया उसके पास, एक भक्तनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहाँ से नाम ले ले, मैं भी नाम ले रही हूँ, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे कैसे आनी थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसेव जी। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर गांव भोजरा सर, तहसील सरदार सर, जिला चुरू, राजस्थान का निवासी हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सारी जो देव देवताओं की भक्ति होती सभी करते थे, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, कृष्ण जी की भक्ति करना। पहले मैं छोटा था तो हनुमान जी की भक्ति करता था, उसके बाद मेरे एरिया के अंदर एक संत भोले बाबा करके हैं, वो कथा करने आए थे, तो उन्होंने कथा किया था, वो भागवत की कथा करते थे। उससे पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, तो बचपन से कसक थी, परमात्मा पाने की चाह थी, तो बचपन से ऐसा लगता था कि परमात्मा कोई और है, ये परमात्मा नहीं है, जड़ की, जड़ रूपी परमात्मा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भोले बाबा ने ये बताया कि ये कृष्ण भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा है, और भागवत की कथा ये सबसे बड़ी कथा है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, तो मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग गया था। उसके अलावा जैसे व्रत रखने हैं, मंगलवार का व्रत रखना, नवरात्र के व्रत रखने, और एक महीने मैंने सावन का महीना जो निराहार रहकर किया था, पूरा एक सावन का महीना मैंने अन्न नहीं खाया था, और 6 महीने ये दास नंगे पाँव भी घुमा था। इसके अलावा निर्जला एकादशी जो बिना पानी के की जाती है, वो भी दास ने कई निर्जला एकादशी के व्रत भी किए हैं। सर जैसा कि आपने बताया, आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, तथा एक महीने तक उपवास भी रखा,
तो सर इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश क्यों लिया? सर प्रथम तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा लगा, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी वो बहुत अच्छा लगा। दूसरी जैसे मेरे शरीर में इतनी व्रत और साधनाएं करने के वजह से शरीर भी कमज़ोर हो गया था और पेट में भी तकलीफें रहने लगी थी और घर में भी बहुत टेंशन रहती थी, जैसे मतलब लड़ाई झगड़े करना घर में और मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो सब परमात्मा की दया हुई, सब नॉर्मल हो गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आया कि मैं उस टाइम बेंगलोर में रहता था और मैं बेंगलोर से गांव आया तो गांव में गौशाला बनी हुई है, भगवान की इच्छा होने के कारण मैं गौशाला में गया तो गौशाला में एक भगत जी रहते थे, उन्होंने मुझसे नंगे पाँव देखकर कहा कि आप नंगे पाँव क्यों चल रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई ऐसे चल रहा हूँ, तो बोले नहीं बताओ कैसे चल रहे हो, बोले मैं बोला नहीं ऐसे चल रहा हूँ, तो बोले चलो ठीक है आप मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा नाम क्या है, तो मैंने कहा भाई उससे पहले यही सुना था कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमरण करे वो शुद्ध आत्मा होए, तो मैंने कहा ओम नाम सबसे बड़ा है, उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा राम नाम सबसे बड़ा होगा, उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नाम सबसे बड़ा होगा, उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ये तो जरूर बड़ा होगा, तो उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा भाई आप ही बता दो मुझे क्या नाम बड़ा है मैं नहीं जानता, तो उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज की लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो जब वो पुस्तक दी तो मेरे मन में ऐसे अभिमान आया अहंकार आया कि मैं गीता जी का पाठ भी करता हूँ, सुंदरकांड के पाठ भी मैंने किए हैं और भागवत का पाठ भी मैं घर पर करने लग गया था और रामायण का पाठ भी मैं करता हूँ और भी अन्य सारी साधनाएं मैं करता हूँ, इस पुस्तक के अंदर ऐसा फिर क्या है? जब मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो मैं आप सच नहीं मानेंगे रोने लग गया बैठ के कि हे परमात्मा मुझे तो पता ही नहीं था कि परमात्मा कौन है, इस ये पुस्तक तो एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ है जिसके अंदर चारों वेद पवित्र गीता जी कुरान शरीफ बाइबल सारे ग्रंथों का समावेश है, ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है एक, और मैंने इसका अपमान किया, हे परमात्मा मुझे क्षमा करना और परमात्मा आप अपनी शरण में मुझे लो। तो उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद बरवाला आश्रम गया, बरवाला आश्रम जाने के बाद जब मैंने वहाँ की स्थिति देखी वहाँ का माहौल देखा तो मेरी आत्मा गदगद हो गई कि सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सब प्रेम से बैठे हैं, सब भंडारा कर रहे हैं, कोई अपनी माला कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, तो मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा कि अब तो यहाँ तो जैसे उससे पहले सुरुग ही सुना था सतलोक का, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ज्ञान हुआ है कि भाई यहाँ तो साक्षात सुरुग है। दूसरे दिन सारा माहौल देख के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 22 अक्टूबर 2011 को दीक्षा ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम तो जी मैंने एक बार गुरुजियों से नाम लेने के बाद थोड़े दिन के बाद मैंने एक प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की एक प्रार्थना है, तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरी प्रार्थना हो गई, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे प्रार्थना हो गई, गुरुजी ने कुछ पूछा ही नहीं तेरी प्रार्थना हो गई, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि संत के शब्द में शक्ति होती है, संत तो अंतर्यामी होते हैं, तो मैं घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद मेरा वो काम सिद्ध हो गया। थोड़े दिन के बाद फिर मेरे को एक गुरुजियों से नाम लेने से पहले एक लड़का हुआ था, वो लड़का बचपन से जब पैदा हुआ उस थोड़े दिन के बाद इतना बीमार रहने लग गया था कि उसको कभी जयपुर कभी बीकानेर कभी जयपुर कभी बीकानेर कभी 10 दिन घर में 5 दिन हॉस्पिटल में 5 दिन हॉस्पिटल में 10 दिन घर में ऐसे मतलब वो रहने लग गया था, बहुत ही बीमार वो रहता था। तो फिर मैं उससे परेशान होकर और बीकानेर में जो अपना कोठारी हॉस्पिटल है डॉक्टर गौरव गुम्बर उसको भी दिखाया था, उसका भी ट्रीटमेंट चला था, डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो लोग दवा दे देते थे और हम लोग घर आ जाते थे, दो चार जांच करवा देते थे इस ये जांच करो और हम लोग घर आ जाते थे, लेकिन उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन मैंने सोचा हे परमात्मा मैं जब वहाँ हॉस्पिटल जाता हूँ इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी शरण में आऊँ, वहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है मेरा पैसा खर्च होता है, इसलिए मैंने ये सोच के दवाइयाँ बंद कर दी। और जब से दवाइयाँ बंद की तब से आज 4-5 साल हो गए, मालिक की दया है वो बच्चा एकदम स्वस्थ है, मैंने कभी भी उसको बीकानेर या जयपुर कोई हॉस्पिटल में नहीं लेके गया हूँ। उसके बाद मेरे को दूसरा लड़का हुआ, दूसरा लड़का हुआ तो पहले लड़के का नाम हमने सतगुरुदेव जी से पूछा था, तो सतगुरुदेव जी ने पहले लड़के का नाम नीरज बताया, दूसरे लड़के का नाम जैसे लड़का हुआ तो मेरे को ये लड़का होने से पहले मेरे मन में था कि अगर गुरुजी पहले लड़के का नाम नीरज रखा है, नीरज कमल का पर्यायवाची होता है कि कमल का पर्यायवाची नीरज और पंकज होता है, तो मैंने सोचा दूसरा लड़का हो गया तो अगर गुरुजी नाम पंकज रख दे, मेरे मन में था ऐसा। तो दूसरा लड़का होने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, दास की प्रार्थना है गुरुजी दास को लड़का हुआ है नाम बताएं, तो गुरुजी ने मेरे चेहरे की तरफ देख के कहा बेटा पंकज नाम रख ले,
तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि जो मेरे नाम मेरे मन में है वही नाम गुरुजी ने बता दिया। करोड़ों नाम संसार में है लेकिन गुरुजी ने जो मेरे मन में नाम बसा हुआ है वही नाम बच्चे का निकाला है, तो वो भी एक चमत्कार हुआ। उसके बाद तीसरी डिलीवरी हुई, तीसरी डिलीवरी के अंदर दो लड़के हुए जुड़वा। पहले लड़के की डिलीवरी हो गई नॉर्मल, दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है, दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है। तो जैसे पौन घंटा हो गया, पौन घंटे तक डिलीवरी नहीं हुई, नर्स ने कह दिया कि इस बच्चे की डिलीवरी यहाँ नहीं होगी, आप इसको मतलब दूसरी जगह लेके जाओ। तो हमारी माताजी साथ में थी, लेडीज़ और भी साथ में थी, वो बोली भाई अब इस हालत में हम इसको कहाँ लेके जाएं। वो बोली आप बीकानेर या चूरू कहीं भी लेके जाओ, ये डिलीवरी मेरे से नहीं होगी। तो मैंने अब इस हालत में हम लोग कहाँ लेके जाएं इसको, जैसे भी करके आप डिलीवरी करो। तो उसने बोला ये बच्चा नहीं बचेगा, डिलीवरी तो मैं चलो करा दूंगी कोई बात नहीं, बच्चा नहीं बचेगा। तो मेरी माताजी ने और सब ने कहा कोई बात नहीं आप डिलीवरी करो, और बोले वो नर्स ये भी बोली कि आप अपने परमात्मा को भगवान को याद करो। तो मेरी माताजी ने कहा हमारे प्रण संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना काम करो। तो फिर पौन घंटे के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो बच्चे को हम तुरंत लेके हॉस्पिटल लेके चले गए, गणपति नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल है सरदार शहर के अंदर, उसमें लेके गए। तो डॉक्टर ने जाने के बाद मुझे कहा कि ये बच्चा आप चाहो तो इसको बीकानेर या जयपुर कहीं भी लेके जा सकते हो। तो उसने कहा कि इस बच्चे के बचने के चांस नहीं है क्योंकि इस टाइप के बच्चे अक्सर बचते नहीं हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना ट्रीटमेंट करो, आपका काम है ट्रीटमेंट करना, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, 3 दिन तक बच्चे ने कुछ भी खाया पिया नहीं। 6 दिन हो गए, 6ठे दिन जो मेरी पत्नी थी वो मुझे बोलती है कि आप गुरुजियों को एक बार प्रार्थना लगा लो। तो मैं उसको बोला वो भक्ति नहीं करती है, नाम ले रखा है पर भक्ति नहीं करती है, मर्यादा नहीं रखती है। तो मैंने उसको कहा कि आप भक्ति नहीं करती हो, मर्यादा नहीं रखती हो, दुख आते हैं तो आपको परमात्मा याद आते हैं और सुख में आप परमात्मा को भूल जाते हो, तो मैं प्रार्थना नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे करके जहां वो एडमिट थी उस कमरे से बाहर निकल गया। तो थोड़ी देर के बाद फिर वापस गया तो उसने फिर मुझसे प्रार्थना की कि आप एक बार मेरी प्रार्थना है आपसे, आप गुरुजी को प्रार्थना लगा दो बस मेरा मन खुश हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, संत रामपाल जी महाराज तो दया के सागर हैं, उनको मैं प्रार्थना लगा लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप भक्ति नहीं करती हो, मर्यादा नहीं रखते हो। तो मैंने सतगुरुदेव जी शाम को लगभग 10 बजे रात को मैंने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद सुबह जब डॉक्टर आया बच्चे को, डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने आके कहा कि आज आपको छुट्टी कर देंगे, शाम को बच्चा आपका ठीक है। वो परमात्मा की दया थी, परमात्मा को शाम को प्रार्थना लगाते ही दूसरे दिन बच्चा मतलब डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, हम लोग घर पे आ गए। और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि बच्चा अगर ये बच भी गया तो इस बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट रहेगा, ये बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा। वो बच्चा आज वो चार लड़के हैं, चारों लड़कों में सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो बच्चा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्से के कारण घर में झगड़ा रहता था, हमेशा इस टेंशन में रहता था मैं कि कैसे मेरा ये मनुष्य मतलब कैसे ये जीवन मेरा सफल होगा, कैसे हम जिएंगे, इस तरह से गुस्सा आएगा। अपना जीवन घर जीवन तो बहुत लंबा अभी तो स्टार्ट हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे वो गुस्सा नहीं आता है, मेरे घर में शांति रहती है। एक बार मेरी मम्मी घर में जाला साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो मम्मी वहाँ से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद मम्मी को इतनी ज़बरदस्त चोट आई कि मम्मी ने ये सोचा कि लगता है मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया, संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, कुछ भी नहीं हुआ नॉर्मल, उसको थोड़ा सा 4-5 दिन की टैबलेट दी और मम्मी ठीक हो गई। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रतिदिन जो विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर चलता है सुनें और उनकी लिखित पुस्तकों को पढ़ें, पढ़कर उनके दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं और उनके दी हुई भक्ति आप करें, उसी से मुक्त संभव है। जैसे आपके घर में भी कोई तरह किसी भी तरह की बाधाएं हैं, शरीर में जैसे कोई रोग है वो भी परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति से वो भी ठीक होते हैं और घर की भी कलह समाप्त होती है। सर जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर सत्संग आते हैं, उस सत्संग को आप सुने। सत्संग के अंदर नीचे पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं, नंबरों पे कॉल करने के बाद आपके नज़दीकी नामदान केंद्र के नंबर दे दिए जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।